செங்கிப்பட்டியில் அமைந்தார். இந்த எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்று இந்த நேரத்திலே தெரிவித்து எனது சார்பாக மாண்பு இதய புரட்சி தலை அம்மாவரே சார்பாகவும். धन्यवाद सभापति महोदय, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया और सम्मानीय कृषि मंत्री महोदय भी यहाँ विराजमान है। सभापति महोदय, देश में सब जगह पे सूखे की जो बात आ रही है वो एक मशीनों के माध्यम से सब जगह से काउंटिंग होकर हैदराबाद जाके उसके आंकड़े आते हैं, लेकिन सच्चाई ये है सभापति महोदय, सब जगह पे जो सूखा है उसमें राजस्थान, खास करके मेरा जो क्षेत्र है और पूरे राजस्थान में बारिश बहुत कम हुई है। जहां मशीन लगे हैं वहां से सभापति महोदय आंकड़े किस तरीके से पेश किए जाते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन उस कम बारिश की वजह से, सूखे की वजह से हमारे वहां का गोधन है, जो गाय है जिसे हम माँ कहते हैं, सभापति महोदय उनके चारे के भी लाले पड़ रहे हैं। आज मेरे क्षेत्र में बहुत सारी गौशालाएं हैं जिस गौशालाओं के अंदर चारा नहीं है, आज गायें मर रही है। एक एक दिन का लोगों से झोली फैला के वहां पे हम पैसा इकट्ठा करके उन गौशाला को चला रहे हैं। मैं आपसे, आपके माध्यम से और कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इन आंकड़ों पे ध्यान न दिया जाए और सभापति महोदय भौतिक सत्यापन करवा के, उस ग्राउंड लेवल का सत्यापन करवा के उस एक विशेष पैकेज गायों के लिए पेश किया जाए तो हम इस गोधन को बचा पाएंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।